दिल्ली दे सिख्या मंत्री मनीष सिसोदिया खिलाफ सीबीआई दी कार्रवाई नूं लैके आम आदमी पार्टी वल्लों भाजपा नूं घेरिया जा रहा। सीबीआई दी कार्रवाई नूं भाजपा दी बुखलाहट दा हिस्सा करार दिंदे आम आदमी पार्टी दे विधायकां ने केंद्र दी भाजपा सरकार वल निशाना साध्या। फाजिलका जिले नाल संबंधित विधायकां ने जलालाबाद विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस करदिआं कहा कि पंजाब दी मान सरकार लोकां नाल कीते वादे एक एक करके पूरे कर रही है। इस तों इलावा आम आदमी पार्टी दे वल्लों हिमाचल प्रदेश अते गुजरात विच पंजाब दी तर्ज ते गरंटियां दित्तियां ने जिन्हां तों बोखलाहट विच आई भाजपा वल्लों पार्टी दे सीनियर आगू मनीष सिसोदिया नूं निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी पूरी बुखलाहट दे विच है, हुण इलैक्शन आ रहे गुजरात और हिमाचल दे, पूरी बुखलाहट दे विच है और उन्हां नूं सीबीआई दे जरिए तंग किया जा रहा है। सीबीआई दफ्तर च बुला के उन्हां नूं उठवा के कहा जा रहा है कि तुसीं पार्टी ज्वाइन करो, तुहानूं असीं मुख्यमंत्री बना देंगे। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता पार्टी के नाल है। सिसोदिया साहब साडे पार्टी के सीनियर आगू है, पूरी तरह पार्टी के नाल खड़े है और जिहड़ा दिल्ली मॉडल है, एजुकेशन मॉडल है, वह पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुके हैं और इस तरह पूरी बुखलाहट के विच है, क्योंकि हिमाचल के उन्होंने जिहड़ी गरंटियां दित्तियां सिसोदिया साहब ने जाके और केजरीवाल साहब ने जाके, इस करके वह बुखलाहट के विच है। बीजेपी एक पासे तुसीं होर गरंटियां कीतियां ने सारियां एक एक करके पंजाब दी आम आदमी पार्टी की सरकार पूरियां कर रही है और इस तो घबरा के हुण हिमाचल का इलैक्शन है, गुजरात का इलैक्शन है, पंजाब दी इन्नी वधिया सरकार दी कारगुजारी नूं वेखदे हुए हिमाचल दे लोक और गुजरात दे लोक भी इस बार बहुत वड्डे स्तर ते बदलाव करन जा रहे ने और हिमाचल और गुजरात दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे ने और इस तों दुखी जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी है वह साढ़े जिहड़े वड्डे आगू ने श्री मनीष सिसोदिया जी जां साडे जैन साहब उन्हां नूं परेशान कर रही है। कदे ईडी दीआं रेडां पवा रही है, कदे सीबीआई दीआं रेडां पवा रही है। सो असीं आम आदमी पार्टी दे वर्कर होण दे नाते, MLA होण दे नाते, लोकां दे सेवादार होण दे नाते असीं इह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करांगे, क्योंकि हिस्ट्री बनाती भी एजुकेशन च इह भी चेंज आ सकदी है। ऑल ओवर वर्ल्ड दिल्ली दी एजुकेशन दी चर्चा है, जे कितों बाहरों कोई फॉरन कंट्री तो कोई वड्डा लीडर भी आउंदा है तो सब तो पहले वेखदा वी दिल्ली च एजुकेशन च की बदलाव आए। सो ये बीजेपी नूं बर्दाश्त नहीं हो रहा, बीजेपी तो कोल होर कोई चारा नहीं, हुण गुजरात भी हथों जा रहा और हिमाचल भी हथों जा रहा है। सिर्फ लोगों को एक हवा बनाना से भी इन्होंने आ कुछ करे, जो दिल्ली के एजुकेशन लाइन च होया वो अज तक जिंदगी 70 साल 75 साल जी कद हो, सो ये बिल्कुल बेबुनियाद है। बहुत चंगा काम करे केजरीवाल सरकार ने, साढ़े सिसोदिया साहब ने, सो जो मर्जी कर लें कुछ नहीं। सरकार बनी है, काम चल रहे है, साडा पूरा ध्यान है। लोगों सुबह तो लैके शाम तक ऑफिस भी खुलिया होया है जिथे पूरा सुविधा दे रहे हैं ताकि किसी का भी कोई काम है तो उत्थे आके करवा सकता है। इस तो इलावा भी जिहड़े विकास के काम है वह भी अबोहर के शुरू करवा दिते है, सारे काम चल रहे हैं। विधायक तुहाडा नहीं है जी, कांग्रेस का विधायक है, उन्होंने कामकाज को किस तरह देखते हो? देखो मैंने लगता वैसे तो एबसेंट ही रहेंगे अच्कल ज़्यादा हल्के, मैंने कोई ज़्यादा गतिविधियाँ उन्होंने नज़र आदि नहीं और साड़ी जो जिम्मेवारी मैं अपना दस सकता, साड़ी जो जिम्मेवारी लोगों ने लाई है 45,000 वोटा पाई हैं तो जो साड़ी जिम्मेवारी लाई है वो असी आपकी ईमानदारी मेहनत न निभा रहे हैं। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਬੋਹਰ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੇ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਯੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਦਾ ਗੱਟਰ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਲੋਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਫਰਟਸ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ।